डार्क टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ। आज पूरे भारत देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का पर्व, जहां लोगों की अटूट श्रद्धा आपको उत्तर प्रदेश में स्थित गुरु गोरखनाथ मंदिर में देखने को मिल जाएगी। जी हां, मैं उस पूर्वांचल के गोरखपुर शहर का जिक्र कर रहा हूं, जहां गोरखनाथ मंदिर स्थित है, जहां सदियों से अपने देश भारत के साथ साथ पड़ोसी माने तो मित्र देश नेपाल से भी काफी श्रद्धालु उस शिव अवतार गोरखनाथ जी को खिचड़ चढ़ाने और अपने मनोकामना पूर्ति के लिए आते हैं। नेपाल में राजतंत्र के समाप्ति के बाद भी राज परिवार से खिचड़ चढ़ाया जाता है, ठीक उसी तरह से बिल्कुल भारत की सीमा से सटे नेपाल में भी गोरखनाथ मंदिर की स्थापना नवंबर 2012 में राज परिवार एवं योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया, जहां स्थानीय लोगों द्वारा भव्य मेले का आयोजन किया जाने लगा और श्रद्धालुओं की भीड़ लगने लगी। इस वर्ष माने तो श्रद्धा का ऐसा सैलाब उमड़ पड़ा कि देखने बनता। लोगों की श्रद्धा ऐसी जुड़ी है कि बाबा के दरबार से कोई अपनी मनोकामना को पूर्ण किए वापस नहीं जाता, बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। वहीं सरहद की सुरक्षा में मुस्तैद सशस्त्र सीमा बल के जवान भी अपनी पैनी नजर लगाकर पूरी मुस्तैदी से अपने फर्ज को पूरा करते नजर आ रहे हैं। ये बीच में जो है कि भारत का बॉर्डर उधर नेपाल है, नेपाल में यहाँ गोपालपुर गांव स्थित है, वहाँ पे मेले का आयोजन हुआ है। बॉर्डर चूंकि खुला हुआ है, तो आज इस मेले को देखते हुए आपको हेडक्वार्टर से किस तरह का इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है और यहाँ निगरानी किस तरह से हो रही है, इसके बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बता दें। मेरा नाम है कांस्टेबल जी जैनेंद्र कुमार रवि, मैं यहाँ जी कम छोटी बारी से आउटपोस्ट में ड्यूटी कर रहा हूँ यहाँ पे इंडिया नेपाल बॉर्डर पे। इंस्ट्रक्शन इस तरह से मिला हुआ है कि आने जाने वाले लोगों पर पैनी निगाह रखना है, पोलाइटली बातचीत करना है, पोलाइटली पूछताछ करके आने जाने देना है। ये जो गाड़ियाँ आ रही है क्रॉस नहीं करेंगे बॉर्डर, यहीं पे स्टैंड करके मेले में जाएंगे और घूम करके वापस चले जाएंगे अपने घर। जैसा कि आपको बता दें कि उस रास्ते पर एक छोटी सी आउट पोस्ट पर खुली सरहद पर सुरक्षा की निगरानी करना कितना कठिन होगा जब वहां से हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ गुजर रही हो। तो फिर भी हमारे देश के रक्षक जवान अपने धैर्य कौशल के साथ कड़कड़ाती ठंड में देश की सुरक्षा और श्रद्धालुओं के सहयोग के प्रति चौकस दिख रहे थे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं आज मकर संक्रांति का दिन है, आज लोग श्रद्धा लेकर के गुरु गोरक्षनाथ मंदिर पर जाते हैं, खिचड़ चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरी करवाते हैं। ऐसे में ही हम आज आए हैं गोपालपुर, नेपाल से सटे जो नेपाल में ही स्थित है गोपालपुर नाव का गांव, जहां गुरु गोरक्षनाथ मंदिर स्थित है। इस संदर्भ में हम बात करेंगे श्री नृपेंद्र सिंह जी, आप बताएंगे यहाँ के मंदिर के बारे में, इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, किस सन में हुआ और लोगों की यहाँ श्रद्धा किस तरह से जुड़ी और आज की स्थिति क्या है। गोपालपुर में स्थित गुरु गोरक्षनाथ का मंदिर परम पूज्य महाराज जी के भूमि पूजन के साथ सन 2012 में इसका शिलान्यास नेपाल नरेश ज्ञानेन्द्र शाह के द्वारा किया गया था और एक आस्था का पीठ भी है। और जब से यह मंदिर का निर्माण यहाँ शिलान्यास हुआ है, तब से नेपाल और भारत के काफ़ी श्रद्धालु हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर काफ़ी श्रद्धा के साथ अपनी मांग को लेकर आते हैं और हर साल यहाँ का मेला धीरे धीरे विशाल रूप लेता हुआ जा रहा है। यहाँ तकरीबन
जो है कि आज 6 साल हो गया, तो शुरू में दर्शक की संख्या कुछ गिने चुने रहे होंगे और आज दर्शक की संख्या कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है, इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? शुरू में श्रद्धालुओं की भीड़ तो काफ़ी कम थी, लेकिन हम लोग तो हर साल लगभग आते हैं यहाँ पे, हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर हम लोग यही रहते हैं। एक साल सिर्फ यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ कम थी, लेकिन उसके बाद से ही श्रद्धालुओं की भीड़ हमेशा हर साल बढ़ती ही जा रही है। इस जो मेला का आयोजन होता है और जो श्रद्धा से लोग आते हैं यहाँ पे, जिस श्रद्धा से भी आते हैं श्रद्धालु, इस मेले का जो भी आयोजन होता है उसमें आपकी भूमिका किस तरह से होती है? हम लोग की भूमिका सिर्फ एक कार्यकर्ता के रूप में, चूँकि हिंदू वाहिनी से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो कार्यकर्ता के रूप में यहाँ उपस्थित रहते हैं और यहाँ कोई किसी तरह किसी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसीलिए हम लोग यहाँ तटस्थ रहते हैं परम पूज्य महाराज जी के दिशा निर्देश। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप जैसा कि जानते हैं, हमारे पूर्वांचल यानी हमारा जो भारत देश है उसमें एक सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जिनके द्वारा बहुत पहले चलाया गया था हिंदू युवा वाहिनी, जो आज भी जीवंत है और अपने में एक जोश और उमंग भरा चल रहा है, और जितनी सक्रियता अगर देखी जाए उसमें उतना ही कम है। उसमें इनका जो हमारे नृपेंद्र विक्रम सिंह जी जो हैं वो जिला सह प्रभारी हैं, और इनका यहाँ इस मेले में योगदान कुछ इस तरह से है ताकि मेला में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत किसी भी दर्शक या फिर किसी भी श्रद्धालु को ना हो, इसके लिए यहाँ तत्पर हमेशा डटे रहते हैं। मेला कितने दिनों का मेला चलता है सर? ये तो एक ही दिन का चलता है, लगभग दो दिन का चलता है। इस पूरे 2 दिन के मेले में ये 2 दिन तक लगातार आप यहाँ रहते हैं? जी आते जाते रहते हैं। बिल्कुल, ये मेले में 2 दिन तक लगातार आते जाते रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, श्रद्धालुओं से मिलते हैं और उनकी हर जो है कि कमियों को पूरा करने का पूरा कोशिश करते हैं। आगे मिलते हैं इन्हीं के साथ हिंदू युवा वाहिनी से ही जुड़े हुए ब्लॉक कार्यकारिणी के मेंबर से, उनसे मैं बात करूंगा। मेरा नाम ओम प्रकाश दुबे है और मैं हिंदू युवा वाहिनी का ब्लॉक प्रभारी हूँ। जी बिल्कुल, ब्लॉक निचलौल का। आप ये हैं निचलौल से ब्लॉक प्रभारी हैं, और इनसे हम जो है कि बात करेंगे इस मंदिर के संबंध में कि आपकी जो यहाँ मंदिर पे आप लोग जो मेला का आयोजन करा रहे हैं उसमें आपकी अहम भूमिका क्या है? वही एक सदस्य के रूप में हम लोग काम करते हैं। जैसे मान लीजिए जिले के पदाधिकारी हैं या योगी महाराज हैं, उनके निर्देश पे हम लोग यहाँ एक सदस्य के रूप में काम करते हैं ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। हम लोगों का भी आना जाना निरंतर लगा रहता है। इसी तरह से हम आपको दिखाते रहेंगे अगले एपिसोड में, इसी तरह से दार्शनिक स्थलों का भ्रमण हम आपको कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ डार्क टाइम न्यूज, सच का साथी में आपका। डार्क टाइम न्यूज के लिए रुपेश वर्मा की रिपोर्ट। सच का साथी, जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा।